मैं हमारे दूसरे मेहमान श्री संतोष शेट्टी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अस्सलाम वालेकुम। रफुद्दीन फकीर बॉयज़ हाई स्कूल, आज जो 17th एनुअल तमसील मुशायरा जो आज इस रईस स्कूल के ग्राउंड में हम सब के सामने पेश किए, सबसे पहली बात तो मुशायरा मेरे को इतना हमको समझता नहीं, लेकिन बैठने के बाद एक एक बच्चे को मैं देखा हूँ। आज के ज़माने में कोई अमिताभ का स्टाइल मारता है, कोई शाहरुख का स्टाइल मारता है, कोई सलमान का स्टाइल मारता है, लेकिन और वो कुछ काम का नहीं रहता है, वो भूल जाते हैं। और मुशायरा एक से एक बढ़ के जो नामचीन मुशायरे अपने भारत में इस महाराष्ट्र में उनका नकल किए, और नकल के साथ एक एक जो अल्फाज ये बच्चों के ने जब यहाँ पे पेश किए, ऐसे लगा नहीं कि कोई स्कूल के बच्चे। मुझे तो लगता है इनको लेके मैं खुद एक इतना बड़ा मुशायरा करूँगा ताकि भिवंडी के ये यहाँ के लग तक नहीं है, ये खाली यहाँ तक के लिए आप पैदा नहीं है बच्चे लोग। इनके एक एक बैठने की स्टाइल में सबको देख रहा था, जैसे कि कितने सालों से इनकी प्रैक्टिस है। अभी मेरे जो लास्ट में जो मुशायरा मेरे भाई ने किया, जिसने जिक्र किया कि यहाँ पे वो हूबहू आए थे, तो मेरे लिए तो यही अभी मुशायरा बहुत बड़ा है। जैसे मैं इनको यहाँ तक नहीं रखना, ऐसे बच्चों को मैं समझता हूँ मेरे कोकन एजुकेशन के मेरे मुखरी साहब से हरदम मेरे ताल्लुकात होते हैं, और हमारे अध्यक्ष भी यहाँ पे जो आए, इन बच्चों को रफीउद्दीन फकीर ये पूरी जो कमेटी है, मैं चाहता हूँ अगले बार करोगे तो लाइव के माध्यम से हर घर में हर महाराष्ट्र में जाते हैं इनका वो, और जब भी ये प्रोग्राम करोगे कि इनको दबा के मत रखो, कल जब ये बाहर निकले के बच्चे इनके भी नाम से लोग जानना चाहिए। तो ऐसे हीरे लोग को, कोई नूर हीरो को हमको यहाँ नहीं रखना है। अगले बार जब भी होगा, अगर मुझे एक महीना पहले बोलोगे, लाइव इनको यूट्यूब के माध्यम से हर सिटी में, हर थाना मुंबई, हर जगह इनको पहुँचाना मैं चाहता हूँ। फिर से मुझे जो मौका दिया यहाँ बुला के, कुछ नया देखने को मिला, एकदम बड़े मुशायरे में गया 2-3 में, ऐसे बच्चों को मैं कम देगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आने वाले कल कि ऐसे बच्चों कैसे हमारे भिवंडी के हर समाज सुने, और बाकी समाज से भी ऐसे अच्छे अच्छे कविता के माध्यम से हमारे हिंदू समाज में लोग बाहर आए, तो बहुत अच्छी बात है। और जो भी इनको तालीम दिए है, जो भी इनके पीछे, मैं उनको सलाम करता हूँ और दुआ करूँगा कि जो इनके पीछे है उनको इतनी ताकत है ताकि मेरे बच्चे भिवंडी के ऐसी ऐसी जो खूबियाँ बाहर तक लाए। फिर से इतना बुलाने के मुझे जो मान सम्मान है उसके लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।